तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप गुरु से। मेरा नाम है सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स के बारे में। जी हाँ, जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग जिन्होंने अभी शुरू करा है, या फिर जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग काफी टाइम से कर रहे हैं, या फिर जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टूल्स मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर बताए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक एक टूल आपको बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो टूल यूज करने होते हैं वो कौन से टूल्स हैं। क्योंकि जो भी आप डाटा, जो भी साइट्स, जिन भी साइट्स से आप वर्क कर रहे हैं, उनसे डाटा कैलकुलेट करना है या फिर अपने प्रोडक्ट्स के तरीके प्रमोट करना है, मैनेज करना है, वो आपको किस तरीके सारी चीज़ों को एडजस्ट करके रखना है, या फिर आपके जो टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टमेटिकली तरीके से रहे और आप अपने जो भी एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके। तो मैंने इनके अंदर सारे कई सारे टूल्स हैं जो मैंने बताए हैं, जो मैं खुद करता हूँ, जो मैंने खुद अप्लाई करे हुए हैं अपने जो भी मैं एफिलिएट प्लेटफॉर्म में यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो मैंने सारा कुछ आपको इसके अंदर दिखाया है, एक एक चीज़ समझाई है, तो आप पूरा वीडियो का एंड तक देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जाकर मेरे को कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 बेस्ट टूल्स फॉर योर एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ये 6 टूल्स जरूर यूज़ करने चाहिए, और क्यों यूज़ करने चाहिए इनका मैं रीज़न आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। पहला टूल वो कौन सा है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए? जो सबसे पहला टूल है मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पहला टूल है वो है सबसे बेस्ट टूल कैनवा। कैनवा में क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि कैनवा से हम क्रिएटिव बना सकते हैं, कैनवा से हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, अपने ब्लॉग के लिए। तो यहाँ से हम अपने डिजाइन को पिक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैनवा आप जरूर यूज़ करिए। कैसे यूज़ करना है इसका मैंने आपको और भी एक वीडियो में बताया है, इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि किस किस तरीके के यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्टर्स बनाने के लिए, रिप्रेजेंटर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, टम्बलर के लिए कुछ चाहिए, फेसबुक एड्स के लिए, ईमेलर के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ब्लॉगर्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। ब्लॉगर का बैनर बनाना, आपका बैनर बनाना, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे इसको कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे डिज़ाइन कोई न्यू क्रिएट करना तो वो भी आप अपने डिज़ाइन न्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना होगा कि यहाँ से बस आपको एक अपना फॉर्मेट चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन से फॉर्मेट के लिए चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो अब यहाँ से आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ईजिली इसके अंदर बस आपको एडिट करना होता है, आपको कोई नया डिज़ाइन नहीं बना सकते, या फिर आपको कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से क्रिएट करना, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो आप डिज़ाइंस बनाने के लिए, अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए, अच्छे से कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, तो आप इन सारी इस कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे ब्लॉग के लिए, हमारे हो गया सोशल मीडिया के लिए, या फिर हम अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उनके लिए हो, ठीक है। तो इसका हमें यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और हमारा टाइम भी बहुत बचता है, और हमारे पैसे भी बहुत बचते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बताऊँगा यहाँ पर, दूसरा जो टूल है आपका वो है TubeBuddy.com, ठीक है। TubeBuddy का क्या बेनिफिट है मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने TubeBuddy का अभी तक नाम नहीं सुना है। तो TubeBuddy आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। जब आप सपोज़ कि कोई सपोज़ आप यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, आपका बहुत बड़ा ब्लॉग है, तो आपको किस तरीके से, या फिर आपका कोई नया ब्लॉग है तो आप उसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो उसके फीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पे आप मतलब अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ आपको ये करके वो सारी चीज़ आपको आसान करके दे देगा, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से अपने ब्लॉग को रन कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं, एक अच्छे से कंटेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड स्क्रीन टेम्पलेट से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पब्लिश पे फेसबुक पे डायरेक्ट पब्लिक कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं अपने पोस्ट को, जो भी आपकी वीडियोज़ हैं उसके अंदर क्विक एडिट टूल बार है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे और भी अगर सपोर्ट चाहिए, तो देन आप यहाँ पे बल्क प्रोसेसिंग है जिसके अंदर ये एंड स्क्रीन जब हम लगाते हैं यूट्यूब वीडियोज़ के, तो उसके अंदर ये शॉर्टकट प्रोवाइड करवा देते हैं, बल्क डिलीटिंग हो गया, एंड स्क्रीन बल्क में लगाना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के ये फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ जो सबसे बेस्ट मेरे को जो इसका पार्ट लगता है वो ये लगता है कि यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी वीडियो का SEO आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ टूल्स प्रोवाइड करवाता है, कैटेगरी प्रोवाइड करवाता है। सपोज़ मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरे को इंस्टा सजेस्ट करेगा, कैप्शन सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये मेरे को ऑडिट भी, जो प्रैक्टिकली ऑडिट करना होता है, वो सारी चीज़ें मेरे को प्रोवाइड करवाएंगे। टैग्स ही सजेस्ट करते हैं, जो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी वीडियोज़ को रैंक कराने के, तो टैग भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारी सर्च रैंकिंग प्रोवाइड करवाती है कि अगर आप ये वाला टैग डालोगे तो आपकी इसकी इतनी रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप टैग की लिस्टिंग के पास आ जाते हैं। टैग्स को ये छोटा भी बना सकते हैं, बड़े टैग्स भी आपको दे सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनके जो सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर ये आपके अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्री है प्रमोशन, डाटा रिसर्च भी है इनका। अगर आप डाटा रिसर्च करना चाहते हैं, सपोज़ कि आपका जो चैनल है उसकी वैल्यूएशन करना चाहते हैं, या चैनल अपने कॉम्पिटिटर का स्कोर चेक करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर के ऊपर जब कॉम्पिटिटर कोई वीडियो आपकी अपलोड अपनी वीडियो अपलोड करता है उसका आपको अलर्ट चाहिए, वो भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डीमोनेटाइजेशन का भी ऑडिट कर सकते हैं, लैंग्वेज एनालाइज कर सकते हैं, आपके चैनल की हेल्थ रिपोर्ट भी ये क्रिएट करके आपको दे सकता है। तो इस तरीके के साथ में आपको साथ के आप कर सकते हैं, आपको अगर अपने रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट करने तो वो भी ये कर सकता है। तो इस तरीके से आपका सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, मैं भी अपने इसके लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो स्टेट्स जो आ रहा है वो सिर्फ ट्यूबबडी के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्यूबबडी को यूज़ करता हूँ। आप इसका एक्सटेंशन भी यूज़ करके कर सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पहले आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता है बट आपको तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको बस इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो मैं आपको टूल बताऊँगा, तीसरा है वो गूगल शीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी सारे एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट को उन साइज़ों को कैसे मॉनिटर करके रखेगा। यहाँ पे हम अपने सारे डाटा को एक जगह रखते हैं जिससे हम साइज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन मेरे को टूल इसलिए लगता है मैं क्योंकि इसे यूज़ करता हूँ। सपोज मेरे को साइट्स के नेम लिखने पे यहाँ पे मैं साइट्स के नाम लिख सकता हूँ, साइट्स के लिंक यहाँ पे डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट क्या क्या सेल कर रहा हूँ, क्या क्या लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, टोटल सेल कितनी आई है, मेरा वीकली टारगेट कितना है, ठीक है, मंथली टारगेट कितना है, टोटल मेरी इनकम कितनी जनरेट हुई है, किस डेट हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपने आप को सिस्टमेटिक कर सकता हूँ। तो इससे यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैं इसका अपना नाम भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा एफिलिएट मार्केटिंग की शीट है मेकी, वो मैं इस तरीके से मैनेज करूँगा। यहाँ पे सारे कॉलम बना के अपने टारगेट्स फिक्स करके उनकी कैटेगरीज डाल के लिंक्स शेयर करके लिंक्स रख के अपने पास, तो इस तरीके से मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ गूगल शीट का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद गूगल ट्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम जब अब ब्लॉगिंग करते हैं या फिर हम जब नई वीडियो क्रिएट करने की सोचते तो हमें पता नहीं चलता कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है अभी वर्ल्ड के अंदर या किसी कंट्री के अंदर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हम किस तरीके से टॉपिक्स को सर्च करें। तो यहाँ पे हम जाके टॉपिक्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि जो लास्ट 7 दिन में जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है वो ये रहा है वर्ल्ड वाइड। सपोज मेरे को अगर इंडिया का देखना है कि इंडिया के अंदर कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल कंट्री का नाम डाल के भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने इंडिया डाल दिया तो उसके बाद मैं यहाँ पर अगर किसी टॉपिक को डाल के लाइक मैं यहाँ पे क्रिकेट डाल के और सर्च करता हूँ कि क्रिकेट से रिलेटेड क्या यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है लास्ट वीक या फिर लास्ट 24 आवर्स में, तो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं जिसके ऊपर मैं इजीली ब्लॉग लिख सकता हूँ, जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जो मेरे ब्लॉग को फीड कराएगा, ज़्यादा SEO फ्रेंडली बनाएगा। तो इसका भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट का आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डाटा होता है यहाँ पे आप सारा डाटा चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रैफिक इसके अंदर है कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो रिलेटेड टॉपिक भी यहाँ पे बता देता है कि इस टॉपिक पर हम लिखना चाहें तो ब्लॉगिंग के लिए लिख सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर ज़्यादा सर्च हुई है, रिलेटेड क्वारीज हैं। तो दोस्तों इसका भी हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ से हम अगर टाइम भी मेरे को चेंज करना, लाइक यहाँ पे पास 12 मंथ, तो यहाँ पे मैं अगर पास्ट 7 डेज़ का भी चेक करूँ तो मैं पास्ट 7 डेज़ का भी इजीली यहाँ पे चेक कर सकता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड। अगर मेरे को कंपेयर करना है कि मेरे को क्रिकेट में ब्लॉग लिखना है, फुटबॉल में ब्लॉग लिखना है, तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बेल्जियम नेशनल क्रिकेट टीम, ठीक है, बेल्जियम कंट्री। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ टॉपिक्स को। और यहाँ पे बस मेरे को सबसे पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्री को चूज़ करना पड़ेगा, वेबसाइट चूज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और भी अगर आपको डीप में जाना है तो फिर यहाँ पे आप ट्रेंडिंग सर्च ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंडिंग सर्च में जाके आप यहाँ पे टॉपिक्स को रिसर्च भी कर सकते हैं, डेली की जो सर्चेज हैं। तो यहाँ से क्या होता है, मैंने इसका एक ट्यूटोरियल पूरा बनाया हुआ गूगल ट्रेंड्स का, तो आप उसे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 15 मई को यहाँ पे जो अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो यहाँ पे HSLC का यहाँ पे रिजल्ट आया, वो उसके लिए ज़्यादा सर्च चलिए 50,000 से ज़्यादा है। देन उसके बाद एम्स का एडमिट कार्ड, देन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन पे भी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 14 तारीख को ज़्यादा ट्रेंडिंग था वो था इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच, जिसके अंदर 1+ सर्चेस थे, देन 1+7 के इतने सर्चेस थे। तो आप उनका भी यूज़ करके अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को निकाल के उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं,
या फिर उस पर आप वीडियोस बना सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी रीच देगी, ज़्यादा आपके पास ऑडियंस आएगी, आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं आपको जो टूल बताऊँगा फिफ्थ टूल वो है क्वारा। क्वारा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वारा पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रेंडिंग है पूरे वर्ल्ड में, सब लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनके आंसर्स को देखें, ठीक है, उनके आंसर्स को देखें यहाँ पे हम, और जो ऑडियंस होती है उनको हम मेरे तक इंगेज कर सकते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ डू यू स्टार्ट अ फंड, तो यहाँ पे पूरा उसका आंसर लेके यहाँ पे मैंने इंटरलिंकिंग करके देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरलिंकिंग की गई है, तो जो भी यहाँ पे टाइप करेगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट। तो इस तरीके से हम वेबसाइट पर अपने ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों को जवाब दे सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे कि हम फ्री में अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत बढ़िया हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे एक साथ व्यू करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मतलब अगर आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, अच्छे आप आंसर्स कर रहे हैं लोगों को, तो शायद आपके पास बहुत अच्छा ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको फ्री में यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 28 व्यूज़ हैं, फ्री के व्यूज़ हैं। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे जाके लोगों के आंसर्स रिप्लाई करने, यहाँ पे आंसर का आप क्लिक करके यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को मेल से किसी ने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रिप्लाई करूँगा तो मेरे ऑब्वियसली बात है कि ये मेरे सब्सक्राइब मेरे को ये फॉलो भी करेंगे, मेरे मैं अगर इंटरलिंकिंग करूँगा अपनी वेबसाइट के आंसर तो वो मेरी वेबसाइट पर भी फॉलो करेंगे। तो इस तरीके के क्वारा का यूज़ करके हम बहुत सारे अपने एफिलिएट लिंक्स को भी यहाँ पे जनरेट करवा एफिलिएट की लिंक को भी प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोग्राम पे भी, और अपनी ब्लॉग पे भी, अपने सोशल मीडिया पे। ठीक है, और अपने आप को खुद प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीच बना सकते हैं नए लोगों तक, नए ऑडियंस तक यहाँ पे सर्च करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे होम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरीज हैं सारी, तो मैं किसी भी कैटेगरी के टारगेट करके उनका आंसर्स देके और उनके साथ में इंगेज हो सकता हूँ इजीली। और अपने जो मेरी ब्लॉग है, जो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं, उनको जाके पोस्ट में इंटरलिंकिंग करके अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाएगा, मेरे पास ऑडियंस भी आएगी, तो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मेरे को बहुत बेनिफिट होता है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे को बहुत बढ़िया टूल लगता है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, लाइक क्वारा, ट्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग की हम शीट क्रिएट कर ली, क्यूबडी हमने मतलब यूज़ करना सीख लिया, दैन उसके बाद हमने डिज़ाइंस भी क्रिएट कर लिए, अब इन सारी चीज़ों को हम ट्रैक कैसे करेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे हमें कितना टाइम हमारे ब्लॉग पे चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम ट्रैक करेंगे गूगल एनालिटिक्स से। तो गूगल एनालिटिक्स बहुत फ्री का टूल है, फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चैनल ट्रैफिक चैनल कर सकते हैं, सोर्स और मीडियम कहाँ से है, रेफरल है किसी का, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये गूगल एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इस पर भी हमने एक पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई, तो आप उस प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं, वहाँ से आप सब चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ आर योर एक्टिव यूज़र ट्रेंडिंग ओवर टाइम, हाउ वेल यू रिटेन यूज़र, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, व्हेन डू योर यूज़र विजिट्स, जब हमारा यूज़र विजिट करता है, ठीक है, आपका यूज़र्स कहाँ से हैं, टॉप डिवाइसेस क्या हैं, तो हम इन चीज़ों को जब अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उनके अंदर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केटिंग करते समय भी हम इनको सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो अगर हमारी चीज़ों तक देख रहा है, परचेज भी नहीं कर रहा, तो उनसे हम लीड मार्केटिंग कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक हम ऐड करके यहाँ पे उन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने आपको इसको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ से कि हम गूगल एनालिटिक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या फिर अपने किसी बिजनेस के लिए। तो मेरे को तो आप इन सारी चीज़ों के चाहे टूल यूज़ करके अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम को और बढ़ा सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग को और अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं और अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा एफिलिएट मार्केटिंग से। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिसका हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो हमेशा अपलोड करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप न्यूज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमारी टीम आपको पूरा रिप्लाई करेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हमारे नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो करें, जहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे हमारे लिंक दिए गए, उनको फॉलो करिए और वहाँ पे जो भी हम नॉलेजेबल पोस्ट डालते हैं उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए वहाँ पे भी।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचेंगे, जिससे कि वो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज़।